नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत के शेर न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ढेर करने के लिए रवाना हो गए। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल और खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर करते हुए दी। भारतीय पुरुष टीम के साथ महिला टीम ने भी इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 3 वनडे और 3 T20 के अलावा 1 टेस्ट मैच भी खेलना है, जबकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को सबसे पहले 18 जून से न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलना और उसके बाद इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी। वीडियो में आप खिलाड़ियों को भारत से जाने से पहले एयरपोर्ट के बाहर बस से उतरते हुए देख सकते हैं। अरे वीडियो शॉट करना शूट करना अनुष्का बच्चे का लेके क्यों अरे सर एक्सक्यूज मी सर मैं सब मारा गाड़ी के पास में आ रहा हूँ विराट किधर है विराट किधर है सबसे पहला वही तो गया अच्छा पहला उतरेगा तो फिर हो गया रहेगा कैमरे में दिखाने में किधर है हाँ कार में आया विराट पास में जा रहे मेरा इधर से उतर रहा कोई इधर से नहीं कोई उतर इधर 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 ही कोई विराट उतरा कहाँ से विराट उतरा कहाँ से इधर से सामने से पहले वही उतरा था समझ में नहीं आया विराट मार लिया मैंने पूरा पैकेज मार लिया पूरा पैकेज मार लिया ठीक है नहीं बने रोहित शर्मा जो आएगा रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा तेरा चलना बड़े धोखे है पहले ही था ना हाँ तो मेरे में मिला रहेगा फिर मैं क्लिक कंटिन्यू क्लिक करता गया ना बच्ची यही चलने वाला सबसे इसके अलावा इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने से पहले खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते हुए भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड पहुंचने के तुरंत बाद सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद सभी स्टाफ को कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने से पहले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दोनों ही टीमें बराबरी की हैं और जो भी टीम हर सेशन और हर घंटे बेहतरीन प्रदर्शन करेगी उसे ही इस मुकाबले में जीत हासिल होगी और ये पहली बार नहीं है जब हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं। फाइनल मुकाबले से पहले केवल 4 प्रैक्टिस सेशंस होने से हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको क्या लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स आर के साथ।